हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पल्स आईएएस एकेडमी, योर शो वे टू सक्सेस। दिस इज टीएस वर्मा एंड थैंक यू फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दोज हु हैवंट सब्सक्राइब्ड अस टिल नाउ। सो प्लीज़ विजिट आवर यूट्यूब चैनल इम्पल्स आईएएस एकेडमी एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। नाउ यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर ऑल्सो। एंड If you want the PDF of all these lectures, then do follow us on Telegram channel. If you have any query related to the examinations, then you're free to mail us or contact us on the following number. Now, we'll start the lecture and continue with Indian history. Now today we are going to talk about the Indian National Congress. Earlier we have completed the revolt of 1857, which was a watershed event in the Indian history. Now, how this Indian National Congress proved to be a major formed institute which channelized the national movement, we'll see in this lecture. So is lecture mein hum padhenge introduction इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसका फाउंडेशन, देन द फाउंडर ए ओ ह्यूम, इट्स ऑब्जेक्टिव, स्वदेशी मूवमेंट एंड इट्स प्रोमिनेंट लीडर। सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म ऑन 28th ऑफ दिसंबर 1885 एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लार्जेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट विच हैव इन्फ्लुएंस द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट during its time. Now its foundation, so it was founded by the Indian and British member of the Theosophical Society. You have to remember this Theosophical Society, it was an organization which teach about the mythical insight about the world and God, और इन्होंने Indian National Congress को form किया था। अब अगर इसके founder members की बात करें तो जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, ही वॉज एन इंग्लिश मैन एंड ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट और उन्होंने कुछ नेशनल लीडर्स के साथ मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया था। ना ही वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो उनको बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग थी इंडियन रूरल प्रॉब्लम्स की और इसीलिए उन्होंने वर्क किया इंडियंस के साथ और हेल्प किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में। ना What was the objective of this Congress? क्यों बनाई गई थी, ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे कि इट वॉन्ट टू रिप्रजेंट पीपल डिमांड्स टू द गवर्नमेंट, लोगों की जो डिमांड थी वो गवर्नमेंट तक पहुँचे, इसके लिए इस इंस्टीट्यूट को फॉर्म किया गया था। देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट वन इज़ टू गेट द जस्टिस थ्रू लॉफुल मीन्स, लोगों को जस्टिस मिले एक प्रॉपर रूल्स और लॉज के अकॉर्डिंगली। नाउ जो इसके अदर ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे कि जो इंडियन लीडर्स थे उस टाइम के, दे वॉन्ट टू ऑब्टेन अ ग्रेटर शेयर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस इन द गवर्नमेंट, वो चाहते थे कि जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ प्रेजेंट जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसमें। उनका अनदर जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एक सिविक और पॉलिटिकल इंट्रैक्शन हो सके एजुकेटेड इंडियंस और ब्रिटिश राज के बीच में, ताकि ब्रिटिशर्स को इंडियन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाए और जो एस्पिरेशंस थे उस समय के एजुकेटेड इंडियंस एंड पॉलिटिकल लीडर्स के, वो उनके साथ शेयर किया जा सके। नाउ इसके जो डिमांड्स थे उसके बारे में हम देखते हैं। सो फर्स्ट उसकी जो डिमांड थी कि वो सेपरेशन चाहते थे जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव से, लेकिन प्रेजेंट टाइम वी हैव एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी डिफरेंट डिफरेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इन ये तीनों चीज़ें सेपरेट है प्रेजेंट टाइम में। तो उस टाइम पर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो चाहते थे कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग किया जाए। सेकेंड वो चाहते थे कि आर्म्स एक्ट को रीअपील किया जाए एंड थर्ड वन वॉज दे वॉन्ट मोर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि कांग्रेस के फॉर्मेशन के पहले तक काफ़ी सारे वर्नाकुलर और जो नेटिव लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थी, उन पर बैन लग चुका था और
वहाँ ऐसी फ्रीडम नहीं थी कि जिसको जो मन करे वो छाप देता, तो इसके लिए उनको चाहिए थी कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन उनको और ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सेकेंड जो उनकी डिमांड थी वो ये था कि रिडक्शन करो रेवेन्यू में एंड कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अब मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर यूज टू फंड देयर एक्सपेडिशंस इन फॉरेन कंट्रीज थ्रू इंडियन रेवेन्यूज, और इसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स चाहते थे कि यहाँ का पैसा बाहर के एक्सपेडिशन के लिए यूज़ ना हो, और हो रहा है तो उसको थोड़ा सा कट किया जाए। सेकेंड था कि मोर फंड्स अलॉट हो इरिगेशन के लिए, बिकॉज इंडिया का जो इरिगेशन है या एग्रीकल्चर है वो मेनली मॉनसून बेस्ड है। इसके कारण यहाँ पे 1880s तक काफ़ी सारी फेमाइंस आ चुकी थी, और इसको कोप अप करने के लिए इरिगेशन की ज़रूरत थी। तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उस समय चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड इरिगेशन में लगाए जाएं। ना जो फर्स्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इट वाज हेल्ड इन बॉम्बे, और अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊं तो ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ही वाज अ वेटन वेटनर वेटर्न सॉरी वेटर्न लॉयर ऑफ कैलकटा। सो इसका जो फर्स्ट सेशन था वो हुआ था 28 to 31 दिसंबर 1885। हाल ही में इसके पूरे 100 ईयर्स कंप्लीट होने पे इंडियन पोस्ट ऑफिस ने पोस्टेज स्टैम्प्स को भी रिलीज़ किया था। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट, सो स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1906 में। इसका रीज़न था पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का पार्टीशन किया था तब भी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, और उस गुस्से को कम करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, और इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोजिशन के लिए स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्च हुआ था। इसको वंदे मातरम मूवमेंट भी कहते हैं। सो इसके जो एम था स्वदेशी मूवमेंट का, इट वॉज टू रिमूविंग द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स दैट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल एंड अटेन सेल्फ सफिशियंसी। तो जो ब्रिटिशर प्रोडक्ट्स थे उस समय बंगाल में, उनको हटाना, उनका यूज़ कम करना और सेल्फ सफिशियंसी की तरफ बढ़ना, खुद ही प्रोडक्शन करना और इंडियन गुड्स का यूज़ करना। नाउ जो स्वदेशी मूवमेंट था उसमें इन्वॉल्वमेंट था बॉयकॉटिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया गया था और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को रिवाइवल किया गया था। नाउ अब इसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, सो मेनली कांग्रेस जो थी उस टाइम की वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। ना जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बंगाल महाराष्ट्र एंड पंजाब में काफ़ी प्रोमिनेंट थे, और उनके जो मेथड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल थे। जस्ट एम्फेसाइज ऑन दिस थिंग कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनके जो मेथड्स थे वो रेडिकल थे, और दे हाईली क्रिटिसाइज द मॉडरेट लीडर्स क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जो मॉडरेट लीडर्स हैं वो इजीली ब्रिटिशर्स की हर चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, और जिस तरीके से ब्रिटिशर्स से लड़ना चाहिए अपने राइट्स के लिए वो उस तरीके से नहीं लड़ रहे थे। नाउ द फर्स्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक, ही गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। सो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो लोकमान्य की नाम से भी जाने जाते थे, एंड ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर एंड एडवोकेट। तिलक ने स्वदेशी मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा फैलाया था महाराष्ट्र में। वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि तिलक ने महाराष्ट्र में स्वदेशी मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा फैलाया था। इन्होंने गणेश चतुर्थी या गणपति फेस्टिवल को रिवाइव किया था, एंड शिवाजी फेस्टिवल को भी इन्होंने रिवाइव किया था। नाउ लाला राजपत राय, लाला राजपत राय वॉज एन इंडियन पंजाबी ऑथर एंड ही वॉज अ पॉलिटिशियन। नाउ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, इनका इम्पोर्टेंट रोल था साइमन कमीशन जब आया था 1928 में,
एंड ही वॉज द प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर. एंड द नेक्स्ट वन इज बिपिन चंद्रपाल. सो ऑल टुगेदर देवर कॉल इज लाल बाल एंड पाल द ट्रायो. ये काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते थे और श्री अरबिंदो ने इनको माइटीएस्ट प्रॉफिट्स ऑफ इंडिया भी कहा था. सो दीज थ्री वर द प्रोमिनेंट लीडर और आई शुड से एक्सट्रीमिस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस. सो दिस कांग्रेस बिकम द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इंडियन नेशनलिज्म एंड द फ्रीडम. अब ये किस तरीके से आगे स्वदेशी मूवमेंट कंडक्ट किया गया, आगे जब गांधी जी आए तो क्या क्या एक्शंस लिए गए कांग्रेस के द्वारा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.